ओम शांति। आज है 28 फरवरी 2023 की साकार मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप के ज्ञान की कमाल है जो तुम इस ज्ञान और योग बल से बिल्कुल पवित्र बन जाते हो। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से ज्ञान परी बनाने। प्रश्न, बाप की कमाल पर बच्चे बाप को इन एडवांस कौन सा इनाम देते हैं? उत्तर, बाप पर बलि चढ़ना ही उन्हें इन एडवांस इनाम देना है। ऐसे नहीं बाबा पहले ब्यूटीफुल बनाए फिर बलिहार जाएंगे, अभी पूरा बलि चढ़ना है। शरीर निर्वाह करते, बाल बच्चों को संभालते, श्रीमत पर चलना ही बलिहार जाना है। इस पुरानी दुनिया में तो ठिकर ठोबर हैं, इनसे बुद्धि योग निकाल बाप और नई दुनिया को याद करना है। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाप सम्मुख बैठे हैं और जो दूर बैठे हैं सभी के प्रति कहते हैं, सुनना तो उन्हों को भी है। बच्चे जानते हैं कि बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर उनमें ज्ञान होगा ना। जैसे सन्यासी विद्वान हैं तो वह समझते हैं हम विद्वान हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, वह ज्ञान सागर है। ज्ञान से सदगति होती है, उस ज्ञान सागर से जैसे कि लोटा भर लेते हैं। सागर तो सदैव भरपूर है ना, सागर से कितना पानी सारी दुनिया को मिलता रहता है, कभी घुटता नहीं, अथाह पानी है। तो बाप भी है ज्ञान का सागर, जब तक जीते हैं उनसे ज्ञान सुनते ही रहते हैं, वह सदा भरपूर है। थोड़े से ज्ञान रत्न दे देते हैं जिससे सारी सृष्टि सदगति को पाती है। वह है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनके संग से पतित से पावन बनते हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं, मान सरोवर होता है ना, सरोवर एक बड़ा तालाब है, वह भी कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं। समझते हैं बड़ा सागर है जिसमें डुबका मारने से मनुष्य परी बन जाते हैं। परियों का अर्थ तो समझ नहीं सकते, परियां बहुत शोभनिक होती हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाप हमको यह ज्ञान स्नान कराए, ऐसा सुंदर शोभनिक ज्ञान परी बनाते हैं। वहां तो नेचुरल ब्यूटी होती है, यहाँ काजल क्रीम आदि लगाए श्रृंगार करते हैं। यह है आर्टिफिशियल ब्यूटी। तत्व ही तमो प्रधान है, वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। देवताओं जैसे शोभनी कोई हो नहीं सकते। यहाँ की ब्यूटी में हेल्थ तो नहीं रहती, वहाँ तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी और ब्यूटी भी रहती है। बच्चे समझते हैं बाबा तो कमाल कर देते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मार्बल की मूर्तियाँ बनाते हैं अथवा अच्छे आर्ट से चित्र बनाते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है। अब विचार करो, बाप ज्ञान और योग बल से हमको क्या से क्या बना देते हैं, यह तो बाप कमाल करते हैं। ज्ञान और योग की कितनी बड़ी बलिहारी है। कमाल है बाबा के ज्ञान बल से आत्मा बिल्कुल ही पवित्र हो जाती है। 5 तत्व भी प्योर हो जाते हैं जिससे नेचुरल ब्यूटी रहती है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो रहता है ना। हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो होती है। दुनिया भी ऐसे होती है, जैसे जैसे मनुष्य ऐसे फिर उनके लिए वैभव रहते हैं। साहूकार के लिए वैभव भी अच्छे होते हैं ना, गरीब के पास ठिकर ठोबर होते हैं। तो इस पुरानी दुनिया में भी ठिकर ठोबर हैं। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, तो कितना मोस्ट बिलव्ड बाबा है उनकी हम महिमा करेंगे। बाबा खुद तो नहीं कहेंगे मैं कितना मोस्ट बिलव्ड हूँ, बच्चे बाबा की महिमा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान योग से क्या बनाता हूँ। बाबा को फिर क्या इनाम मिलता है? इन एडवांस ही बाबा को इनाम देते हैं, अर्थात उन पर बलि चढ़ते हैं। गाते भी हैं तुम पर बलिहार जाऊं, तो जरूर इन एडवांस बलिहार जाएंगे ना। ऐसे थोड़े ही पहले बाबा ब्यूटीफुल बनावे फिर बाद में तुम बलिहार जाएंगे। बलिहारी भी पूरी चाहिए, वह भी राज समझाया है। ऐसे नहीं कि सभी बाबा के पास ले आकर बैठ जाना है।
तुमको श्रीमद पर चलना है, वह है सर्व आत्माओं का बाप, उनको आत्माओं का रचयिता नहीं कहेंगे, सृष्टि का रचयिता व स्वर्ग का रचयिता कहेंगे। बाकी आत्मा और यह खेल तो अनादि है, परंतु इसमें पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, चेंज करते हैं। शरीर तो विनाशी है बाबा, अब हमारी कितनी आयु बढ़ाते हैं, बेहद की आयु बन जाती है। वहाँ एवरेज 150 वर्ष आयु रहती है, यहाँ तो कोई की एक वर्ष भी आयु रहती है, कोई की एक मास भी नहीं चलती, जन्मा और मरा। वहाँ ऐसे नहीं होता, सबकी आयु बड़ी रहती है, कायदे अनुसार जल्दी से बर्तन टूट नहीं सकता। तो बाप समझाते हैं, अब बहुत मेहनत करनी है, तुम शिव शक्ति सेना बाप के मददगार हो। तुम समझते हो इसमें रावण राज्य है, सब विकारी हैं, उन विकारियों से सन्यासी अलग हो जाते हैं, फिर सृष्टि रची नहीं जाती। सन्यासी सन्यास सृष्टि ही रचेंगे, अर्थात मुख से आप समान सन्यासी बनाएंगे, उनको वंशावली नहीं कहेंगे। वंशावली गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, सत्युग में वंशावली फूल जैसी होती है। सन्यासियों की वंशावली नहीं हो सकती, लिमिटेड है, यह तो अनलिमिटेड है ना, गृहस्थ आश्रम कहते हैं। वास्तव में आश्रम तो बहुत ऊंचा ठहरा, आश्रम पवित्र होता है, विकारी गृहस्थ को आश्रम नहीं कह सकते। बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्मी बनाते हैं, माया रावण अधर्मी बना देती है, मनुष्य अधर्मी बन पड़े हैं। धर्मी अधर्मी मनुष्य को ही कहेंगे, जानवर को थोड़े ही कहेंगे। तो बाप आकर धर्मी बनाते हैं, माया अधर्मी बना देती है, परंतु उनको जानते नहीं हैं। जैसे ईश्वर को नहीं जानते, वैसे माया को भी नहीं जानते। परमात्मा के लिए कह देते सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी तो पांच विकार हैं। इस समय भक्त सब बाप को याद करते हैं, अर्थात सब में भगवान की याद है, ऐसे नहीं कि वह सर्वव्यापी है, पांच विकार ही दुख देते हैं। तो भक्त भगवान को याद करते हैं, बहुत दुखी हैं, फिर कह देते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं, रावण का नाम ही भूल जाते हैं, और माया फिर संपत्ति को समझ लेते हैं। संपत्ति तो धन को कहा जाता है, इसमें सभी मनुष्य माया रावण के मुरीद हैं। तुम आकर ईश्वर के मुरीद बने हो, वह रावण के दुख का वर्षा लेते हैं, तुम बाप से सुख का वर्षा लेते हो। बाप आकर के माताओं को गुरु पद देते हैं, यहाँ कहते हैं पति स्त्री का गुरु है, परंतु वह तो और ही पतित बना देते हैं। द्रौपदी ने भी कहा ना, हमारी लाज रखो। अब बाप कहते हैं इन कन्याओं द्वारा ही उद्धार करूंगा। कन्या का गायन है, कुमारी वह जो पियर और ससुर घर का 21 जन्मों के लिए उद्धार करे। इसमें तुम कन्याएं बनती हो ना, माताएं भी कुमारी बन जाती हैं, ब्रह्मा कुमारियां हो ना, तो इस समय की तुम्हारी महिमा चली आती है। कुमारियों ने कमाल की है, बाप ने ही कुमारियों को अपना बनाया है, तो नाम बाला करना है। माताएं भी श्री गोद ले कुमारी बन जाती हैं, तो कन्याओं की महिमा वैसे तो सिर्फ गायन मात्र है। अब फिर प्रैक्टिकल में तुमको बाप जगाते हैं, बाप ने कुमारियों को अपना बनाया है, सीढ़ी चढ़ फिर उतरना मुश्किलात हो जाती है। अभी भी देखते हैं तो कहते हैं ना, नाहेक शादी की, फिर बच्चे पैदा होने से मोह की रग जुट जाती है। तो बाप समझाते हैं, आधा कल्प कन्या को शादी कराए विकारी बनाया है, अभी बाप आया हुआ है, कहते हैं पवित्र बनो। देखते हो पवित्रता में सुख भी है तो मान भी है, सन्यासियों का कितना मान है, बंधन मुक्त हो जाते हैं। वह है पवित्रता का बल, वह कोई योग का बल नहीं है, योग बल सिर्फ तुम्हारे पास है। उन्हों का तो है तत्व से योग, जहाँ रहते हैं जैसे पांच तत्व हैं, वैसे वह फिर छठा तत्व है, उनको ब्रह्म ईश्वर कह देते हैं, इसलिए उनका योग आर्टिफिशियल है। उस योग से विकर्म विनाश नहीं होते, इसलिए गंगा स्नान करने जाते हैं। अगर निश्चय होता कि योग से पावन बनते हैं तो फिर गंगा स्नान नहीं करते। इससे सिद्ध होता है कि उन्हों का योग कायदे के विरुद्ध है। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं, वैसे ब्रह्म
भी ईश्वर नहीं, रहने के स्थान को ईश्वर समझ लेते हैं। यह बाप आकर समझाते हैं तो कुमारियां समझा सकती हैं। हम बीके इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य बनाते हैं। बाप कहते हैं माताओं का नाम बहुत बाला करना है, पुरुषों को इसमें मदद करनी चाहिए। यह पवित्र रहना चाहती है तो पवित्र रहने दो। तो बाप आकर पहले माताओं और कुमारियों को ज्ञान देकर अपना बनाते हैं। शिव वंशी तो सब हैं ही, फिर ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां बनते हैं। कुमार भी हैं परंतु थोड़े, कुमारियां जास्ती हैं। तुम्हारे यादगार का मंदिर भी यहाँ एक्यूरेट है। मनुष्य समझते हैं विकार बिगर सृष्टि कैसे पैदा होगी। बाप कहते हैं अभी यह दुखदायी पतित सृष्टि नहीं चाहिए, तो जरूर पवित्र रहना पड़े। गवर्नमेंट भी कहती है पैदाइश कम हो, क्योंकि वह समझते हैं इतना अन्न कहां से आएगा। वह पवित्रता की बात नहीं समझते। तुम जानते हो अभी शिवालय स्थापन होता है, बेहद की दुनिया शिवालय बन जाती है। उन्होंने तो एक मंदिर का नाम रख दिया है शिवालय, वह हो गया हद का शिवालय। यह बनता है बेहद का शिवालय, सारा स्वर्ग शिवालय कहेंगे। शिव ने देवी देवताओं की रचना की है, उनके मंदिर बने हुए हैं, वह है चैतन्य शिवालय। फिर यह वैश्यालय बनता है, चैतन्य देवताओं के जड़ मंदिर बनाकर उन्हों को फिर विकारी लोग पूजते हैं। शिवालय शिव बाबा बनाते हैं, मददगार है शिव शक्ति पांडव सेना। मेजोरिटी शक्तियों की होने कारण उन्हों का नाम बाला हुआ है। कन्याएं जास्ती हैं, शिव बाबा तुम्हें अपना बनाते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस था, वह कैसे अपना बनाएगा, वह तो खुद ही स्वयं बनकर महाराजा बनते हैं। तो यहाँ शिव बाबा कंसपुरी से निकाल तुमको श्री कृष्णपुरी सत्युग में ले चलते हैं। यह है कंसपुरी। अब सारी दुनिया है एक तरफ और तुम थोड़ी बच्चियां हो दूसरे तरफ। आधा कल्प मनुष्यों ने उल्टा समझाया है, बाप ने आकर सुल्टा समझाया है। आगे कंट्रास्ट का बहुत अच्छा किताब था। अभी तो पॉइंट भी और अच्छी निकल रही है। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ, सब ज्ञान इकट्ठा तो नहीं देंगे। पहले हल्का सुनाते थे, दिन प्रतिदिन गुह्य होता जाता है। सब गुह्य बातें एक समय कैसे सुनाऊंगा, जो को समझाते वही कल्प पहले भी समझाया था, इसमें कोई संशय की बात नहीं। ऐसे नहीं कि आगे तो बाबा ऐसे कहते थे, अभी फिर ऐसे कहते हैं। अरे पहले तो पहला क्लास था, अर्जुन बहुत पॉइंट्स हैं जो और निकलती रहेंगी। जब तक जिएंगे बाबा सुनाते रहेंगे। बाबा ने कुछ गुह्य राज सुनाया तो फिर बताएंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं। उन शास्त्रवादियों को भी शास्त्र कंठ रहते हैं। अब 18 अध्याय तो है नहीं, यह तो ज्ञान सागर है, सुनाते ही रहते हैं। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर है। इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, न प्यार है न सार है, वह तो सब बातों का सागर ही सागर है। मनुष्य कहते हैं वह सर्वव्यापी है, हम भी वही हैं, लेकिन उनकी तो महिमा बड़ी जबरदस्त है। सभी भक्त साधु आदि उनको याद करते हैं, दुखी हैं तब तो कहते हैं वापस निर्वाण धाम में जाएं। सो तो जब निर्वाण धाम का मालिक आए तब ही ले जाएं। स्वर्ग की सौगात बच्चों के लिए बाप ले आते हैं, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं, बाप देते हैं स्वर्ग की सौगात। फिर रावण आकर दुख देते हैं, दुख को सौगात नहीं कहेंगे, स्वर्ग के सौगात की चाबी दी है कन्याओं को। कन्याएं भारत को स्वर्ग बनाती हैं, कन्याएं अपने मित्र संबंधियों को भी समझा सकती हैं, हमने पारलौकिक माता पिता की गोद ली है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल धे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर एक, गृहस्थ को आश्रम अर्थात पवित्र बनाना है। पवित्रता में ही बल है, पवित्रता का ही मान है, इसलिए योग बल और पवित्रता का बल जमा करना है। नंबर दो, मोस्ट बिलव्ड एक बाबा है, उस पर पूरा पूरा बलि चढ़ पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान,
रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तो आत्मा भव। जो योगी तो आत्माएं रूहानियत में रहती हैं, उनकी रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को स्वतः चढ़ती कला में ले जाती है। योग युक्त हो रूहानियत से आत्माओं का आवाहन करने से जिज्ञासु स्वतः बढ़ते हैं। इसके लिए मन सदा हल्का रखो, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहे, दिल साफ मुराद हासिल करते रहो तो प्राप्तियां आपके सामने स्वतः आएंगी। अधिकार ही आप लोगों का है। स्लोगन: परमात्म ज्ञानी वह है जो सर्व बंधनों एवं आकर्षणों से मुक्त है। परमात्म ज्ञानी वह है जो सर्व बंधनों एवं आकर्षणों से मुक्त है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार, हो सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार, हो सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार, हो कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली बहां बाबा बिना दिल लगेगा कहां, कौन सुनाएगा मुरली बहां बाबा बिना दिल लगेगा कहां, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा। रोज हमें श्रृंगार, हो कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो, अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार, हो सतयुग में तेरा प्यार, हो सतयुग में तेरा प्यार। साथी
बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार।